Hello everyone, in this video we will read the section C of the 5th unit, Game Changers, and this story is named J, the Jewel of India. Now who is this J and why is he called the Jewel of India? Use kyon Bharat ka ek ratna kaha jata hai? When we will read the lesson, we will find it out. It starts with a question, ki aisi kitni cheeze hain jinko ki tum soch sakte ho ki Tata ke naam se judi hui hain? So there are n number of objects like Tata Tea, Tata Group of Hotels, Tata Group of Hospitals. Tata is the leading brand in terms of information technology and many more. Now read about J.R.D. Tata's contributions to modern India. Ab hum padhenge is chapter mein ki J.R.D. Tata ka kya contribution hai आज के इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में. द एविएटर. 1930, अ टाइनी पुश मॉथ विद सिंगल इंजन ड्रोन्ड ओवर द एरिड एक्सपेंस ऑफ ईरान ऑफ अबाउट 90 माइल्स एन आवर. तो फर्स्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है कि 1930 की बात है जब एक टाइनी पुश मॉथ इज द नेम ऑफ द प्लेन, जिसमें कि सिंगल इंजन प्लेन था, ये सिंगल इंजन एरोप्लेन था, और वो ड्रोन्ड, वो मंडरा रहा था एरिड एक्सपेंस ऑफ ईरान. एरिड मतलब सूखे, तो ईरान के डेजर्ट्स के ऊपर वो मंडरा रहा था. द पायलट वॉज अ यंग मैन ऑफ 26, और इसका पायलट 26 साल का पायलट था, जो कि बिना किसी रेडियो, बिना किसी लैंडिंग एड्स और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, एक्सेप्ट एक ऑल्टीमीटर था, एक स्पीडोमीटर था और एक कंपास था, इन द डिस्टेंट रोज लार्ज ब्लूइश माउंटेंस. तो वो एक ऐसी ऊंचाई पे था, माउंटेंस जहाँ पे थे, और जहाँ पे ग्रासलैंड्स की तो बात छोड़ ही दो, देयर वाज एरिड एक्सपेंस फॉर अबाउट द ग्राउंड, जहाँ पे ग्राउंड पे बिल्कुल सूखा, मतलब डेजर्ट था. और इसके प्लेन में, द प्लेन वाज आल्सो नॉट इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, ना तो कंपास, सॉरी, ना तो लैंडिंग एड्स, ना तो रेडियो, और ना ही कोई और इंस्ट्रूमेंट. सिर्फ तीन बेसिक चीज़ें थी, इंक्लूडेड एल्टीमीटर, स्पीडोमीटर एंड अ कंपास. ही प्रेस्ड फॉरवर्ड इन दैट लिटिल प्लेन टू रीच बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन. उसने पूरी कोशिश की कि वो लास्ट ब्लू माउंटेन तक जाए. और ये जो यंग मैन था, ही वॉज जहांगीर रतनजी दादा भॉय टाटा, द एपिटोम ऑफ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, बेनिवलेंस एंड कंपैशन. और ये जो फ्लाइट उड़ाने वाला था वो 26 साल का लड़का कौन था? सो ही वॉज एन इंडियन, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ जे आर डी टाटा. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज गिवन इन इट. जे आर डी एज ही वॉज फाउंडली कॉल्ड बाय बॉर्न इन पेरिस. इनका जन्म तो पेरिस में 1904 में हुआ था, टू आर डी टाटा. इनके फादर का नाम था आर डी टाटा एंड इज फ्रेंच वाइफ सुनी. एज एन एडोलेसेंट, जब ये अपने टीनेज में थे, एडोलेसेंट मीन्स द एज ग्रुप ऑफ 13 to 19 और 11 to 19 बेटर टू से, ही लव फ्लाइंग. इनको फ्लाइंग का काफ़ी शौक था. उन्होंने, उनका बचपन ही बीता था, ही हैड ग्रोन अप इन फ्रांस वॉचिंग द फेमस एविएटर लुइस बेरलट्स अर्ली फ्लाइट्स एंड हैड टेकन अ जॉय राइड इन एन एरोप्लेन एज अ 15 year old. That was the beginning of a lifelong fascination for flying. और ये एक शुरुआत थी कि उन्हें पूरे लाइफ भर एक पैशन रहा, उनकी एक चाह रही थी कि वो भी प्लेन्स उड़ा सके. In 1929, at the age of 25, JRD became the first Indian to be granted a commercial pilot's license, or which he said, no other document has given me greater thrill than the little blue house and gold certificate. In 1932, he started an airmail service connecting Bombay, Ahmedabad and Karachi. JRD was beginning to see his dream unfold. That was the beginning. ये एक शुरुआत थी उनके lifelong fascination की, जो उनकी चाह थी. और 1929 में, 25 साल की एज में, JRD फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें कि कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी दिया गया, जिसके बारे में वो कहते हैं
कि किसी भी और डॉक्यूमेंट ने उन्हें इतना उत्साह, इतना रोमांच नहीं दिया जितना कि इस छोटे से लिटिल ब्लू एंड गोल्ड सर्टिफिकेट ने। 1932 में इन्होंने एक एयर मेल सर्विस की शुरुआत की जो कि बॉम्बे, अहमदाबाद एंड कराची, देन द पार्ट ऑफ इंडिया में, इन तीन प्रोमिनेंट शहरों में उन्होंने एयर मेल सर्विस की स्टार्ट की, शुरुआत की। JRD वॉज बिगनिंग टू सी हिज ड्रीम अनफोल्ड। अब JRD अपने सपनों को पूरा होते हुए देख रहे थे, अपने सपनों के पंखों को उड़ान के लिए पंखों को खोलते हुए देख रहे थे। नाउ लेट्स रीड टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन इन इट। 1932 में ही टाटा एविएशन सेंटर, द फोररनर ऑफ द एयर इंडिया, जिसको कि बाद में एयर इंडिया ने ओवरटेक कर लिया, टुक टू द स्काईज। द फर्स्ट फ्लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द्रिग रोड इन कराची विद JRD एट द कंट्रोल्स ऑफ अ पुशमॉथ। जो फर्स्ट फ्लाइट थी इंडिया के हिस्ट्री में, वो शुरू हुई थी कराची के द्रिग रोड से, और कंट्रोल्स पे कौन थे, तो JRD। JRD नर्चर्ड इस एयरलाइन अप टू 1953 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1953 तक एयर इंडिया को खूब देखभाल की, खूब बढ़ाया। उसके बाद इसे जवाहरलाल नेहरू ने एक नेशनलाइज्ड एयर इंडिया बना दिया, एक सरकारी उपक्रम बना दिया। इट वॉज अ डिसीजन विच सैडेंड हिम। ये एक ऐसा डिसीजन था जिससे उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा। नेवरदलेस ही कंटिन्यूड एज अ वेरी डेडिकेटेड चेयरमैन टू द कंपनी। हालांकि उन्होंने कंपनी में अपने चेयरमैन की तरह जो उनका कार्य था वो उन्होंने जारी रखा। एयर इंडिया वॉज नेवर जस्ट अ जॉब फॉर JRD। एयर इंडिया सिर्फ एक जॉब नहीं था JRD के लिए, इट वॉज अ लेबर ऑफ लव। ये तो उनके श्रम की शक्ति थी। ही पर्सनली सुपरवाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एयरलाइंस। वो इसके छोटी से छोटी गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं। अंडर इज स्टीवर्डशिप, अंडर इज लीडरशिप, एयर इंडिया बिकेम एन अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास कैरियर। उनके ही कैप्टनशिप में, लीडरशिप में एयर इंडिया जो थी वो एक अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास कैरियर बनी। एंड इफ़ यू नो द कंडीशन ऑफ एयर इंडिया, यू वुड गेट टू नो दैट ओनली 8 to 10 प्लेन्स आर देयर लेफ्ट विद दिस एयरलाइन कैरियर, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एयरलाइंस। हिज गाइडिंग प्रिंसिपल एंड वर्क एथिक्स वॉज ऑलवेज एम एट परफेक्शन, फॉर देन ओनली यू विल अचीव एक्सेलेंस। जो प्रिंसिपल था उनका, उनके जो सिद्धांत थे वो ये कहते कि हमेशा परफेक्शन के लिए बढ़ो, तभी तुम कुछ एक्सीलेंट कर पाओगे। JRD बिलीव द ट्रिफल्स मेक परफेक्शन, बट परफेक्शन वॉज नो ट्रिफल। JRD हमेशा कहते कि छोटी छोटी बातें ही मिलकर परफेक्शन बनाती हैं, लेकिन परफेक्शन में कुछ भी छोटा नहीं होता। देर इज नो ट्रिफल इन अ परफेक्शन। अब ये तो हुई एविएटर की बात। नाउ हाउ इज ही अ नेशन बिल्डर, दैट वी विल रीड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। JRD हैड अ डीप सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। JRD सिर्फ एक एविएटर ही नहीं थे, बल्कि उनका नेशन बिल्डिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्हें काफ़ी दुख होता जब वो पॉवर्टी को देखते अपने आसपास और कंक्लूड करते दैट कंट्रीज प्रोग्रेस ले इन कंट्रोलिंग इट्स पॉपुलेशन। और वो उस वक्त भी कहा करते कि कंट्री को तरक्की करनी है तो पॉपुलेशन इज द मेन कंसर्न वेयर विच वी ऑल हैव टू वर्क, एंड इन इंश्योरिंग इट्स पीपल वेयर एजुकेटेड। और इस पॉपुलेशन के लिए लोगों को एजुकेट करना होगा। ही फर्वेंटली बिलीव दैट इंडिया हैड ग्रेट इंटेलेक्चुअल टैलेंट। और उनको ये, उन्हें ये पक्का दृढ़ विश्वास था कि इंडिया में काफ़ी इंटेलेक्चुअल टैलेंट है, मतलब बौद्धिक टैलेंट है, काफ़ी स्किलफुल और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। नेशन बिल्डिंग वॉजेंट मेयर रिटोरिक फॉर हिम। ही प्रूव्ड हिज जेन्युइननेस बाय ट्रांसफरिंग हिज पर्सनल वेल्थ टू द JRD टाटा ट्रस्ट दैट ही सेट अप इन 1944 टू एड एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। अब उनके लिए नेशन बिल्डिंग सिर्फ एक महज दिखावा नहीं था, एक रिटोरिक नहीं था, उन्होंने प्रूव किया अपने जेन्युइननेस को, अपनी बात की प्रामाणिकता को उन्होंने सिद्ध किया बाय ट्रांसफरिंग हिज पर्सनल वेल्थ टू द JRD टाटा ट्रस्ट। उन्होंने अपने सारे पर्सनल वेल्थ को ट्रस्ट को डोनेट किया, जिसको कि उन्होंने ही 1944 में शुरू किया था, ताकि वो एजुकेशनल
और अदर इंस्टीट्यूशंस को शुरू कर सकें। कुछ सालों बाद ही उन्होंने अपने शेयर के कुछ पार्ट भी डोनेट किए इन टाटा कंपनीज एंड एन अपार्टमेंट इन बॉम्बे। ही यूज्ड हिज मनी टू एस्टैब्लिश द JRD एंड थेल्मा टाटा ट्रस्ट। उन्होंने अपनी इन पैसों की शुरुआत से पैसों की मदद से JRD और थेल्मा टाटा ट्रस्ट की शुरुआत की, जो कि आज भी वर्क कर रहा है इंडिया के लोगों को और विमेन के लाइफ स्टैंडर्ड को सुधारने में। कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, ईच एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस इन इट्स फील्ड, वर प्रोजेक्ट्स दैट वुड नॉट हैव कम टू द नोशन विदाउट JRD's स्टेडफास्ट सपोर्ट। ये सभी ऐसे प्रोजेक्ट थे कि JRD के दृढ़ संकल्प और सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि इन्हें फ्रूटिफाई किया जा सके, इन्हें फलीभूत किया जा सके, इन्हें इनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट्स नाउ हाउ व्हाट टाइप ऑफ अ मैन ही वाज। ही वाज अ मैन ऑफ बोल्ड बिहेवियर। एज एन इंडिविजुअल JRD वाज अ मॉडस्ट इंडियरिंग एंड हैड अ फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। JRD एक बहुत ही मॉडस्ट, काफ़ी विनम्र स्वभाव के, काफ़ी प्यारे, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो भी काफ़ी अच्छा था। बट ही कुड नेवर टेक काइंडली टू अ शो ऑफ पॉम्पोसिटी। लेकिन वो कभी भी दिखावे पर विश्वास नहीं करते। केयरलेसनेस एंड अ कैजुअल एटीट्यूड। व्हेन अ फ्रेंड बिगन अ लेटर टू JRD विद अ सैल्यूटेशन, डियर जे, ही रोट बैक, आई हैव फाउंड दैट अ जे इज़ अ नॉइजी चैटरिंग यूरोपियन बर्ड ऑफ ब्रिलियंट प्लमेज एंड फिगरेटिवली एन इम्पर्टिनेंट चैटरर ऑफ सिंपल्टन। तो उनके एक फ्रेंड ने उन्हें एक लेटर लिखा जिनमें कि उसने मजाक में ही लिखा था कि जे, तुम्हारा नाम तो एक ऐसे यूरोपियन बर्ड से मिलता है जो कि काफ़ी शोर मचाता है और वो काफ़ी शोर मचाने वाला है। तो वो वापस लिखते हैं, फॉर फ्यूचर रेफरेंस प्लीज़ नोट दैट माई नेम इज़ स्पेल्ड जे। याद रखना कि मेरे नाम का स्पेलिंग JAY नहीं है, इट्स जे, इट्स नॉट जे, इट्स जे, इन एब्रीविएशन ऑफ जहांगीर। एनी रिजेंबलेंस बिटवीन मी एंड द बर्ड इज़ प्योरली कोइंसिडेंशियल। मतलब अगर इस बर्ड और मेरे में कोई समानता होती भी है तो ये बस कोइंसिडेंस है, इट्स नथिंग मोर अबाउट दैट। JRD वॉज अ शाई एंड रेटिसियंट मैन। JRD काफ़ी शर्मीले लेकिन काफ़ी दृढ़ इंसान थे। ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन रिसीविंग ऑनर्स बट वॉज शावर्ड विद देम, विच अम्यूज्ड हिम व्हेन ही वॉज टोल्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन रिसीविंग ऑनर्स। उन्हें न तो सम्मान प्राप्त करने में कोई इंटरेस्ट था, बट ये हमेशा ही उन्हें दिए जाते, जिससे कि वो अक्सर ही अम्यूज होते, अक्सर ही वो सरप्राइज होते कि जब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें कहती ऐसे किसी अवार्ड के बारे में। एक बार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रही थी कि वो उन्हें भारत रत्न दे, द कंट्रीज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। ही रिस्पॉन्डेड विद मॉडस्टी एंड विट। वो पूरी चालाकी और अपने विनम्रता से जवाब देते हैं, वाई मी, भला मैं क्यों, आई डोंट डिजर्व इट, मैं इसे पाने के लायक नहीं। द भारत रत्न इज़ यूजुअली गिवन टू पीपल हु आर डेड। भारत रत्न या तो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि डेड हो चुके हैं, तो मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, और इट इज़ गिवन टू पॉलिटिशियंस, या तो ये पॉलिटिशियंस को दिया जाता है। मीन्स ही वॉज सेइंग इट आयरनिकली कि भारत रत्न तो उन लोगों के लिए ही बना है जो कि अपने कंट्रीब्यूशन के कारण जाने जाते हैं, और वो या तो डेड हो चुके हैं या फिर वो पॉलिटिशियंस हैं। मैं ना तो इसे लेने को तैयार हूँ, ना तो मैं इसे ले पाने के लायक हूँ, और ना तो मैं गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मर एंड आई एम नॉट द लेटर। मतलब ना तो ये मुझे पहले मिलने के, ना तो मैं इसे पहले लेने के लायक था, और ना तो मैं इसे बाद में भी कभी ले पाऊँगा। ना तो मैं इस गवर्नमेंट को और ना तो आने वाली गवर्नमेंट्स को, मैं किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा कि भारत रत्न वो मुझे दे सके। JRD हैज़ अ यूनिक
एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड्स। चैरिटी के पास एक और यूनिक एबिलिटी थी कि वो हर ग्रुप, हर एज के लोगों से घुल मिल जाते। वो एक मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थे जो अपने सपनों को पूरा करता। ही वॉज एन इंस्पिरेशन टू मेनी। वो कईयों के लिए इंस्पिरेशन थे। कल्पना चावला, जो कि फर्स्ट वीमेन थी स्पेस में जाने वाली, उन्होंने JRD के बारे में कहा कि वो एक इंस्पिरेशन थे फॉर टेकिंग अप एरोनॉटिक्स। मतलब उन्होंने जो सब्जेक्ट की पढ़ाई की एरोनॉटिक्स की, उसके पीछे उनके इंस्पिरेशन कौन थे? इट वॉज JRD। सुधा मूर्ति, जो कि फाउंडर है टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस की, जो कि एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी ह्यूमैनिटी का एक मॉडल उन्हें ही माना। नोबडी वॉज टू इनसिग्निफिकेंट और स्मॉल फॉर हिम टू एक्नॉलेज। उनकी नज़र में, उनकी दृष्टि में कोई भी छोटा नहीं था। एक बार JRD के कलीग उनकी एक ऐसी ही कहानी बताते हैं कि हाउ टू यूज़ द वैक्यूम क्लीनर। उन्होंने जब अपने ऑफिस बॉय को सिखाया कि वैक्यूम क्लीनर का यूज़ ज़्यादा अच्छे से कैसे किया जा सकता है। ही टच द लाइफ्स ऑफ कलर केयरलेस काउंटलेस अदर्स। उन्होंने दूसरों कईयों की ज़िंदगी को संवारा। रिच हों या पुअर हों, मैनेजर हों या वर्कर हों, उन सभी को उन्होंने एक लीडर की तरह उनके कामों में डिमॉन्स्ट्रेट किया और उन्हें प्रिंसिपल सिखाया ट्रस्ट, सिंसियरिटी और डिलीजेंस का। JRD का डेथ तो जेनेवा में 29 नवंबर 1993 को हुआ। एक कंटेंटेड, संतुष्ट, हैप्पी मैन, नोइंग ही हैड ब्रॉट गुड चीयर एंड हैप्पीनेस, कि उन्होंने काफ़ी सारी खुशियां लाई हैं लोगों के चेहरे पर। टू मेनी एज अ ट्रू सन ऑफ इंडिया विथ हिज डेथ अ नोबल बिट ऑफ इंडिया एंड इंडियननेस वॉज गॉन फॉर एवर। मतलब उनके जाने के साथ ही इंडिया का एक शानदार सितारा, जिसमें कि इंडियननेस मतलब देसीपन भरा पड़ा था, वॉज गॉन फॉर एवर। वो हमेशा के लिए जा चुका था। नाउ देयर यू कैन सी देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस रिलेटेड टू द स्टोरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अनदर चैप्टर। सो टिल देन, थैंक्स एंड गुड बाय।